नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल द बाइकर्स डायरी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे SJ400 एक्शन कैमरे की लेंस कैसे रिप्लेस किया जाता है। आप देख रहे हैं मेरा ये SJ400 एक्शन कैमरा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मेमोरी कार्ड और बैटरी निकाल लेना है। उसके बाद ये फ्रंट वाला जो कवर है इसको धीरे धीरे हमको खोल लेना है। आपको यहाँ पे 7 स्क्रू दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 स्क्रू को हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोलना है। फ्रंट कवर निकालने के बाद हम लोगों को बैक साइड का ये LCD स्क्रीन निकालना है, तो ब्लेड के मदद से हम धीरे धीरे से इसको निकाल लेंगे। ध्यान रहे ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसको आराम से निकालना है। उसके बबाद यहाँ पे भी 3 स्क्रू दिख रहा है, तो इसको भी हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलना है। इसके बाद हमको ये कवर धीरे से निकालना है। ध्यान रहे ये जो वायर आपको दिख रहा है ये वायर ना टूट जाए। उसके बाद हमें बैटरी बॉक्स निकाल लाना है। उसके बाद बहुत ही सावधानी से हमको इसका मदरबोर्ड निकालना है। तो ये हो गया, मदरबोर्ड निकल गया। तो हमें क्या करना है, इस स्विच को यहाँ से निकाल लेना है, क्योंकि तार अगर टूट जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये है 140 डिग्री वाइड एंगल लेंस जो SJ4000 एक्शन कैमरे में डिफॉल्ट आता है, तो इसको हमें रिप्लेस कर। तो ये लेंस banggood.com से परचेस किया गया है। ये 170 डिग्री वाइड एंगल लेंस है और ये M12 थ्रेड में आता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन कैमरा में M12 थ्रेड ही होता है। तो इसको निकाल के ये वाला रिप्लेसमेंट लेंस इसमें डालना है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे ये गम से सील रहता है, जबकि ये कोई भी फोकस चेंज ना हो जाए इसका, तो इसको ब्लेड से इसको निकालना है। चलिए तो काट दिया मैंने, उसके बाद इसको अनस्क्रू करना है।
चलिए ये अनस्क्रू हो गया और ये अब दिखाई दे रहा है, ये लेंस ओपन हो गया। चलो इसको थोड़ा सा लगा के रखते हैं या कोई धूल मिट्टी ना गिर जाए इस पर। इसको ओपन करते हैं। इसका परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको बैंगूट से ऑर्डर कर सकते हैं। और इधर देखिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें कैप लगा हुआ है कि कोई भी स्क्रैच ना गिर जाए। तो ये आपको दिख रहा है ये 170 डिग्री वाइड एंगल लेंस है, ये है 170 डिग्री M12 थ्रेड का वाइड एंगल लेंस। ये लेंस निकाल के कवर लगा देते हैं, इसको स्क्रू करके इसको डाल देना है। तो अभी ये स्क्रू तो पूरा तो हो गया, अब इसको फोकस करना है। तो फोकस कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको रिफोकस करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होता है। यहाँ पे आपको LCD लगाना है, इसमें बैटरी डालना है और ये डेटा केबल का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात, एक लैपटॉप चाहिए होगा। तो चलिए इसको मैंने बैटरी और LCD दोनों लगा दिया। तो इसको इसको ऑन करते हैं। ये सामने वाला फ्रंट का स्विच है, इसको ऑन करते हैं। चलिए ये ऑन हो गया। इसके बाद अपने PC में डेटा केबल को कनेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, देख सकते हैं। और कनेक्ट करते ही यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, आप देख सकते हैं, मास स्टोरेज और PC कैमरा। आपको PC कैमरा सिलेक्ट करना है और ऊपर वाला ओके बटन दबा देना है। तो इससे क्या होगा, ये PC कैमरा आपको जो सामने कैमरा है वो आपको लैपटॉप में जो वेबकैम की तरह यूज़ होगा। इसको घुमा के फोकस में लाना है, देख सकते हैं ये धीरे धीरे फोकस में आ रहा है। तो ये देखिए इसमें दिखा रहा है आसानी से, बढ़िया चीज़ दिखा रहा है। अब इसको अगर हम लोग घुमाएंगे तो ये ब्लरी हो जाएगा, और इसको अगर इधर भी घुमाएंगे तो भी ये बढ़िया। तो एक पॉइंट पे हमें ये सेट करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्लू से यहाँ पे फिक्स कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको फिट कर देंगे। तो चलिए इसको वापस इस बक्से में, ये जो केसिंग है इसमें और ये जो अदर इक्विपमेंट है इसमें डालेंगे।
सो फ्रेंड्स, ये था SJ4000 एक्शन कैमरा की लेंस रिप्लेसमेंट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा।